समाचार कंचन मिश्रा, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। हम आपको दिखाएंगे देश की सारी अहम खबरें, तो उससे पहले रुक करते हैं आज की ताजा खबरें। गोवर्धन पूजा विधि विधान से की गई, प्रसाद का किया गया वितरण महंत दुर्गादास। खबर गोंडा जनपद से, जहां पर गोंडा शहर मालवीय नगर सगरा तालाब ऐतिहासिक पुरानी गोवर्धन किला पर दीपावली के दूसरे दिन मनाई जाती है गोवर्धन पूजा। राधा कृष्ण मंदिर के महंत दुर्गादास हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी गोवर्धन पूजा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया और प्रसाद वितरण किया। इस मौके पर बाबा राम स्वरूप दास, भाजपा नेता रंजीत, बाबा कश्यप, बाबा विजय नंद, राम प्रसाद तिवारी, शिव प्रसाद तिवारी, एडवोकेट शेषपाल, अवधेश मास्टर घनश्याम गौर, रामदयाल विजय सिंह ने बताया कि दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। मान्यता है कि गोवर्धन पूजा का आरंभ द्वापर युग में कृष्ण गोपियों के साथ मनाया जाता था। ऐतिहासिक पुस्तक में उल्लेख है कि इंद्र ने भारी वर्षा करके गोकुल नगरी को डुबाने का प्रयास किया था। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को अपने उंगली पर उठा लिया था। तभी से 12वीं शताब्दी में तालुकदार विशंभर दास यदुवंशी ने किया गोंडा में ऐतिहासिक गोवर्धन को गोवर्धन दास द्वारा बनवाया गया था, जो मधुकुंज विश्वंभर के नाम से प्राचीन इतिहास गोंडा की विरासत है। गोंडा जिसमें कुछ आज अब तक अवैध रूप से कब्जा करने हथियारे हैं, जिसमें नगर पालिका मुख्य दर्शक बनी हुई है। तालाब को साफ सफाई के लिए कई बार पैसा आया मगर घोटाले में तब्दील हो गया। हिंदुओं धर्म स्थलों का शोषण किया जा रहा है। रंजीत दास, बाबा कश्यप भाजपा नेता ने बताया कि शासन ने सुंदरीकरण के लिए पैसा गोंडा के लिए भेजा, यहाँ एस्टिमेट गलत तरीके से बना दिए, जो पैसा वापस चला गया, जो पैसा आया और वह अधूरा काम हुआ, अब जब दूसरा पैसा आएगा तब यह सब यह भी गिर जाएगा। और नगर पालिका के चेयरमैन है, उसे बंदरबाट करते हैं। लाइव टीवी समाचार के लिए राम नारायण जायसवाल की रिपोर्ट गोंडा से। सर कार्यक्रम कहाँ किए हैं? गोवर्धन पर्वत इसे राधा कृष्ण महान दुर्गादास हम हमेशा हर साल इसको हम कराते चले आ रहे हैं, मगर ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जर्जर बना हुआ है, इसकी मरम्मत नहीं हो रहे हैं, तो फिर कैसे इस पे आज आपने पूजा कर दिया फिर इसके बाद देखने कोई नहीं आता है? सब प्रशासन से लाता है, फिर भी चले जाते हैं और फिर चले जाता है, फिर वापस चला जाता है, सब यहाँ पर पैसा हो जाता है, लगता नहीं है। किसकी गलती मानना है इसको? गलती जो शासन से आता है उसके लिए गलती है, नगर पालिका ये है जो मन बैठे हुए हैं। जयगढ़ रोशन ने आया था, इतना सब निर्माण कराया था, लेकिन वो चले गए, तब से पूरा बेकार कर दिया उन्होंने, तब से कोई कार्य नहीं कराया। नहीं जी नहीं, जैसे उन्हीं समय के हुआ था, उन्होंने प्रस्ताव एक पार्क बना कहना थी, मंदिर का सुबना होगा, ये सब रास्ता रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन वो जब से चले गए तब से कुछ नहीं हुआ। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं ऐसी ही तमाम खबरों के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ।